अब रोस्ट वीडियो बनाने वाले खुलकर काम नहीं कर पाएंगे, वो डर डर कर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि YouTube में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्हें डर डर का काम करने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी एक रोस्टर हो या रोस्टिंग चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। रोस्टिंग वीडियो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें आप फन के लिए लोगों को कुछ भला बुरा कहते हो। इसमें आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब से कुछ वीडियो क्लिप को उठाते हो, उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करके उसे इंटरटेनिंग बनाते हो। लेकिन रोस्ट वीडियो बनाने वालों के ऊपर हमेशा दो तरह का खतरा होता है। पहला, सबसे पहले आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हो जिसके ऊपर आपको वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आप उसके ऊपर वीडियो बना देते हो। और अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो वो जाहिर सी बात है कि उस शख्स तक भी वो वीडियो पहुंच जाएगी जिसकी वीडियो क्लिप आपने यूज़ की है। और अगर आपने उसे वीडियो में गाली दी है या उसे अब्यूज़ किया है तो आपको वो उस बेसिस पे कॉपीराइट दे सकता है, क्योंकि आपने उसकी वीडियो क्लिप का यूज़ किया है। तो पहला खतरा तो आपके ऊपर कॉपीराइट का है। अब अगर उसने आपको कॉपीराइट दे दी तो इससे बचने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जब वीडियो स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें एक डिस्क्लेमर डालो फेयर यूज़ पॉलिसी का, और आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें भी आप फेयर यूज़ पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन डालो। अगर वो आपको कॉपीराइट दे भी देता है तो वहाँ पे आपके यूट्यूब के जो क्रिएटर स्टूडियो है वहाँ पे जब आपको कॉपीराइट शो होगा ना, तो वहाँ पे आपको अपील करने का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पर आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मैंने डिस्क्लेमर डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के स्टार्टिंग में भी। तो वहाँ फेयर यूज़ पॉलिसी से उस चीज़ से बच जाओगे। अब हम खतरा नंबर टू की बात करते हैं। आप सब कैरी मिनाती को तो जानते ही होंगे, उन्होंने दीपक कलाल के ऊपर वीडियो बनाई, केआरके के ऊपर वीडियो बनाई, यहाँ तक कि शिवम मलिक के ऊपर भी वीडियो बनाई। लेकिन केआरके और दीपक कलाल ने कैरी के ऊपर वीडियो बना के अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन शिवम मलिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में आंसर दिया कि ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, और जो बात थी ना उसको वहीं पर ख़त्म कर दी। लेकिन अभी यूट्यूब में क्या हो रहा है कि अगर आप अपनी वीडियो में किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे ना, तो आपके ऊपर सीधा डिफेमेशन का केस कर दिया जाएगा। आप अपनी वीडियो में किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो, इसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बात की है, इससे मेरी इमेज डाउन हो रही है, तो मैं अब इसके ऊपर सीधा मानहानि का केस कर दूंगा। तो अब आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप इस डर में खुलकर रोस्टिंग वीडियो कैसे बना पाओगे? जो भी रोस्ट वीडियो बनाना चाहेगा वो जाहिर सी बात है अपनी वीडियो में किसी के बारे में कुछ बोलेगा ही, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भले हो सकता है गालियों का भी प्रयोग किया जाता है रोस्टिंग वीडियो में। तो अब आप मुझे बताओ कि वो खुलकर अपनी वीडियो कैसे बना पाएगा? उसके मन में तो ये डर होगा ना कि कहीं मेरे ऊपर भी केस ना हो जाए, और वैसे भी अभी यूट्यूबर के ऊपर केस हो ही रहा है, फॉर एग्जांपल राउंड टू हेल, केआरके, तो ये सारी चीज़ें गाइस अभी यूट्यूबर को फेस करनी पड़ रही है कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल दे रहा है तो सीधा उसे यूट्यूब पर ख़त्म ना करके उसे कोर्ट केस तक पहुँचा दिया जा रहा है, उसके ऊपर सीधा केस कर दिया जा रहा है। तो अब इस डर में कोई रोस्टर अपनी वीडियो कैसे बना पाएगा? जो उसके अंदर टैलेंट है वो पब्लिक को कैसे दिखा पाएगा? और वो भी अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो। मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए रोस्टिंग वीडियो का सहारा लेते हैं, लेकिन जो इंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ कर रहा है इससे उसका तो नुकसान हो रहा है ना गाइस, उसकी तो रोजी रोटी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रोस्ट वीडियो बनाने से पहले जिसका आप रोस्ट करने वाले हो उसकी परमिशन ली जाती है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी को अपनी वीडियो में गाली देने वाले हो तो उस चीज़ के लिए कोई क्यों परमिशन देगा? जाहिर सी बात है कि वो परमिशन नहीं देगा। मैं सेंसेबल बात कर रहा हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं सेंसेबल बात कर रहा हूँ भाई। आप किसी को बोलोगे कि मैं तेरा रोस्ट करने वाला हूँ, अपनी वीडियो में तुझे गाली देने वाला हूँ, तो आपको क्यों परमिशन देगा रोस्ट वीडियो बनाने के लिए? क्योंकि इससे तो उसका नाम खराब होगा, उसकी इमेज डाउन होगी। तो गाइस रोस्ट वीडियो बनाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली जाती है, बस बना दिया जाता है। मेरा कहना बस इतना ही है कि आप रोस्ट वीडियो बनाओ, लेकिन उसे सिर्फ इंटरटेनमेंट तक सीमित रहने दो गाइस। अपनी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए रोस्ट वीडियो मत बनाओ। अब आप ये बोलोगे कि कैरी मिनाती ने तो आमिर सिद्दीकी का रोस्ट करने से पहले उसकी परमिशन ली थी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कैरी मिनाती ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बस उस चीज़ को शेयर किया था, और उस पर आमिर सिद्दीकी ने रिएक्ट करते हुए बोला था करने दो, देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब कैरी ने उसके ऊपर रोस्ट कर दिया तो फिर उससे वो चीज़ पसंद नहीं आई और उसने उसके वीडियो डिलीट करने की मांग की, बहुत हंगामा किया टिकटॉकर ने। तो कैरी ने कोई पर्टिकुलर परमिशन नहीं ली थी, जस्ट उसने अपनी इंस्टा स्टोरी में ये बात शेयर की थी और उसके बाद उसने रोस्ट बनाया था। तो कोई भी परमिशन नहीं ली जाती है गाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अपने आप को गाली देने के लिए क्यों परमिशन देगा? मेरा कहना बस इतना ही है कि आप रोस्टिंग वीडियो को सिर्फ इंटरटेनमेंट तक सीमित रहने दो। रोस्टिंग वीडियो का सहारा लेकर अपनी पर्सनल भड़ास मत लिखा लो, क्योंकि बहुत से छोटे यूट्यूबर भी हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर यूट्यूब ने पूरी रोस्टर कम्युनिटी को बैन कर दिया तो आप क्या कर लोगे? फिर आपके पास कितने भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए गाइस अगर आप एक रोस्टर हो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाइए, ना कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, क्योंकि ये एक के चक्कर में सबको ले डूबेगी।
आई होप यू गाइस आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद।